नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे दिन बॉक्सिंग चैनल में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा प्रोडक्ट आ गया है। मैंने दो ईयरफोन्स मंगवाए थे, एक की मैंने पहले अनबॉक्सिंग करके डाल रखा है, उसको आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो ये रहा दूसरा, मैं चलिए इसको ओपन मैं करता हूँ। ये JBL का था, वो बोट का था, दोनों की प्राइस लगभग सेम पड़ी है। तो चलिए देखते हैं कैसा निकलता है। तो देखिए, मैंने इसे ओपन कर लिया यहाँ से। तो ये देखिए, ये हमारा क्वांटिटी पैकेजिंग मेरे को थोड़ी अजीब सी लग रही, क्योंकि कुछ प्रोटेक्शन नहीं दिया, लेकिन फिर भी मेरा प्रोडक्ट सही आ गया। और ये मैंने रेड कलर में मंगवाया है, JBL का C300 SI ईयरफोन है। ये काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है। ये मैंने, मेरा एक फ्रेंड यूज करता था, तब मैंने इसको यूज किया था, तो काफ़ी मुझे अच्छी लगी थी साउंड क्वालिटी। और ग्रेट इंडियन सेल में ये काफ़ी 550 रुपीज़ में मिल गया मेरे को, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इसका मैं बॉक्स को ओपन करता हूँ। ये पैकिंग वैकिंग तो सही दे रखा है इन्होंने, तो चलिए इसे ऑन करता हूँ। ये देखिए, ये JBL की टिपिकल पैकिंग है। ये जैसा कि आप जानते हैं, JBL के जितने प्रोडक्ट होते हैं वो ऐसे ही बॉक्स में पैकिंग आते हैं। तो इसे मैं ऊपर से ओपन करता हूँ, और साइड में देखिए एक वो लगा रखा है इन्होंने, एक टेप लगा रखा है ताकि प्रोटेक्शन के लिए, सील लगा रखी है। इसे ओपन कर लेता हूँ मैं। ये देखिए, ओपन कर लिया। ये हमारा मेन क्वांटिटी ईयरफोन। तो ये देखिए, ईयरफोन दे रखा है, काफ़ी अच्छी पैकिंग कर रखी है। निकालने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। देखिए, ये देखिए, अब यहाँ से देखो, यहाँ से इसको निकालना पड़ेगा अंदर से। ये हमारे पेपर के अंदर था बैंड। ये देखिए हमारा ईयरा, और कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स, और ये हमारा ईयरफोन ईयरा। क्वालिटी ठीक ठाक है, मतलब JBL की मैं क्वालिटी से ही थोड़ा डिसअपॉइंट रहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप इसको संभाल के चलाएंगे, थोड़ा केयर करके चलाएंगे, 1 ईयर चल जाएगा। मेरा T100A काफ़ी 1 ईयर तक चला, मैंने 1 साल पहले मंगवाया था, वो ख़राब हो गया, तो इसलिए मंगवाना पड़ा। और ये देखिए, इसके साथ ये रही वारंटी कार्ड, ये पेपर वगैरह दे रखा है, इंस्ट्रक्शन गाइड वगैरह दे रखी है, ये चाइनीज़ भाषा में लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, मुझे नहीं पता। और ये रहा इसका मैनुअल गाइड वगैरह दे रखा है, अब इतना बड़ा मैनुअल गाइड वगैरह, वारंटी क्लेम वगैरह का दे रखा है इन्होंने, JBL का दो दे रखा है, पता नहीं क्यों इतना सारा दे रखा, क्या दे रखा है इसमें, देखता हूँ मैं, अगर कुछ काम तो होगा बताता हूँ। ये देखिए क्या लिखा है इन्होंने, ये शायद कस्टमर सर्विस सेंटर वगैरह कुछ लिख रखा हो, ये डिटेल बता रखी है। ये वारंटी कार्ड है, हाँ जी ये वारंटी कार्ड है। अब वारंटी कहाँ क्लेम करनी है मुझे पता नहीं, अब इसको पढ़ेंगे देखेंगे फिर पता चलेगा। बाकी इनको साइड में रखते हैं, बेसिकली मुश्किल हो जाता है क्लेम करना इनका वारंटी, जितने भी ईयरफोन्स, और हम करते ही नहीं हैं, दूसरा ही ले लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ये रहा ईयरफोन्स, ये निकाल के मैं दिखा देता हूँ, इन ईयर वाले हैं, और काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है इनकी। मैंने पहले यूज किया लेकिन वो मेरा नहीं था। ये देखिए ऐसे निकाल लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एल टाइप कनेक्टर नहीं है इसका, एकदम स्ट्रेट है, लेकिन गोल्ड प्लेटेड है, अच्छी बात है, गोल्ड प्लेटेड कनेक्टर है, अच्छी बात है, थोड़ी एक्स्ट्रा क्वालिटी वगैरह अच्छा आएगी। और इसका ईयरबड्स, और ये एकदम नॉर्मल है, लेकिन जो पिछला मैंने अनबॉक्सिंग किया था बोट का, वो काफ़ी सही था, उसका टेंगल फ्री केबल था, लेकिन इसका टेंगल फ्री केबल भी नहीं है, लेकिन एल टाइप कनेक्टर भी नहीं, लेकिन फिर भी साउंड क्वालिटी दोनों की कंपेयर करूँगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर और कोई सुझाव उझाव है आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये बाय करना है तो मैंने लिंक में दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ मेरे लिंक का यूज करके बाय कीजिए। ओके, थैंक यू।